जनपद के नोडल अधिकारी व अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने सोमवार को संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि गन्ना के क्षेत्रफल के विकास के लिए किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाए। उन्होंने कहा कि गन्ना बीज वितरण के लिए चलाई जा रही योजना में महिला स्वयं सहायता समूह का सहयोग लिया जाए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रति सप्ताह गन्ना विभाग की समीक्षा करे। नोडल अधिकारी संजय भूसरेड्डी ने धान क्रय केंद्र जंगल सिकरी, गन्ना तौल केंद्र फुलवरिया, पशु आश्रय स्थल विशंभरपुर, गन्ना तौल केंद्र सरैया एवं जिला अस्पताल में बन रहे कोरोना वैक्सीन के कोल्ड स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जंगल सिकरी में धान क्रय केंद्र पर 35,000 क्विंटल के सापेक्ष अभी 18,600 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी थी। उन्होंने वहां उपस्थित किसान देवेंद्र राय राजनाथ यादव से धान खरीद एवं भुगतान के बारे में जानकारी ली। इसके उपरांत उन्होंने गन्ना तौल केंद्र फुलवरिया का निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि अधिक से अधिक किसानों का गन्ना तौल सुनिश्चित किया जाए तथा किसानों की सहायता की जाए। अपर मुख्य सचिव ने गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण कर वहां पर पशुओं के रखरखाव के बारे में जानकारी प्राप्त की और कहा कि गौ आश्रय स्थल पर बायोगैस आदि के बारे में भी विचार किया जाए। इसके बाद नोडल अधिकारी संजय भूसरेड्डी ने जिला अस्पताल में निर्माणाधीन वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया और कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी राजस्व राजेश कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिले के नोडल अधिकारी संजय भूसरेड्डी ने कहा, कितने दिन पानी ठहरा था बारिश को, अब तक ठहरा बरसात का पानी से? बरसात का पानी हमारे यहाँ रहा लगभग वो पूरा डूबा रहता है और सहजनवा का क्षेत्र है वो डूबा रहता है। ये स्पेशल ग्रेड है आपका धान, कौन सा सामान्य धान है, कितना ले आए? इतना हमें तो मुझे बात मालूम है, ये पूरा भर के लाओ। वो अभी अभी तापा नहीं है, भजन हुआ है, भजन हो गया नहीं हो रहा है नहीं तो इसका पूरा ट्रॉली वाला नहीं सर, वो हर बोरे में भर के तोला जाता है जी सर। निकाल के क्या यहाँ डालता है? सफाई करने के लिए सर, इसमें पुराना पैसा आपका मिल गया, आपका सबका मिल गया पुराना पैसा खाते में आ गया। हमारे पास क्योंकि यहाँ मिल रहे हैं वहाँ से इतने ही वहाँ से मानक नहीं आया, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिए इतने का मसाला मिला रहे हो एक पाँच का वाला आपकी कर भी वो डालो बार दाना पानी डालो कभी तो पत्ती कम उड़ेगा जब तक तुम्हारा टारगेट है सर। टारगेट मेरा मौसम की वजह से टारगेट ओके सर। ऑफिस में
किसी के ये बात बता दूंगा कि कैसे चोरी किया, कैसे किया, डोमल कैसे मांगा, कैसे पैसे निकला। तो वो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है और उन अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है, उस पर जो कार्रवाई है। जिले का नोडल अधिकारी भी हूँ तो हर महीने डेढ़ महीने में आता रहता हूँ, लेकिन इस बार जो आया हूँ वो विशेष करके तीन चार जो मुख्य फोकस बिंदु है उसमें है धान क्रय केंद्र, किसानों का क्रय ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, उनका भुगतान हो रहा है नहीं हो रहा, उनको कोई कठिनाई तो नहीं है क्रय केंद्र पे। इसी प्रकार गन्ने के जो यहाँ क्रय केंद्र तीन ही हैं इस ज़िले में पिपराइच के और बाकी अन्य ज़िलों में हैं उनके, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक है या नहीं है। और इसी प्रकार जो कोल्ड स्टोरेज बनना है, जो वैक्सीन आने वाली है उसका पूरा वैक्सीनेशन वाला प्लान जो जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला प्रशासन ने बनाया है, इन सब के ऊपर आज सभी प्रदेश में कल सुबह से नोडल अधिकारी लोग हर 75 ज़िले में गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इन चीज़ों की गहराई से देख लिया जाए, रजवाओं में पानी है कि नहीं, टेल तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं, बिजली किसान तक पहुंच रही कि नहीं, ट्रांसफार्मर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसानों की धान क्रय में, गन्ना क्रय में, उनके भुगतानों में, उनको पैसा ट्रांसफ़र में कोई तौल वगैरह में कहीं घट तौली या उस प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं है। तो यहाँ तो जिला प्रशासन आपका चुस्त दुरुस्त है, आप लोग भी इनको चुस्त दुरुस्त रखते हो, तो चीज़ें ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे विभाग के थोड़ी सी कमियाँ थी तो उनको कल सुबह तक ठीक करने के लिए, गन्ना के ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ी सी समस्या आई, जो ट्रांसपोर्टर है वो महाराजगंज का है तो उसको हम लोगों ने बता दिया है, तो वो कल तक ठीक हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा यहाँ की पब्लिक से मेरा ये था कि आज भी मैं गया तो कोई भी किसान मास्क नहीं पहना था, बिना मास्क जितनी दूरी पर हम लोग खड़े उतनी दूरी से बात कर रहा था, उसको मैं उनको हमें मुझे बोलना पड़ा कई जगह, मैंने हमारे डीएम साहब और सीडीओ साहब ने और एडीएम साहब ने मास्क निकाल के दिया उनको। तो थोड़ा सा पब्लिक को भी ये रहना होगा क्योंकि जो साइंटिफिक आ रहा है वो इसको हमें कुछ और महीनों साल इस समस्या के साथ जीना होगा, तो हमें इस समस्या के साथ जीना सीखना होगा और उसमें दो गज दूरी, मास्क ज़रूरी और हाथ धोना खाना खाते वक्त या जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, और मतलब अपने आँख वाँख को छू रहे, नाक को छू रहे, मुंह को छू रहे, तो उसमें ये सब ज़रूरी है। तो मैंने पिछली बार भी आया था तब भी मैंने जनता से अनुरोध किया था कि जनता को इसमें सहभागिता देना होगा। जैसे आपको याद होगा आज से 20-25-30 साल पहले सर्व शिक्षा अभियान चला था, वो अभियान है जनता के साथ सहभागिता से होता, और ऐसे कोई भी अभियान, कोई भी समस्या, कोई भी इसका समाधान सहभागिता के साथ होता है, इसमें पब्लिक को भी जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को मिलके सहयोग देना होगा, तब जा कर के हम इसमें जीतेंगे। आगे जो वैक्सीन का पूरा प्रोग्राम बन गया है, जैसी वैक्सीन टेस्ट होकर इंडिया आ जाएगा उसका कोल्ड स्टोरेज आपके यहाँ हर ज़िले में बन रहा है, आपके यहाँ भी बन रहा है, 31 जनवरी तक ये बन के पूरा तैयार हो जाएगा, और जब आ जाएगा तो फिर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।